भाषाओं के प्रोत्साहित करने के और उन्हें बढ़ावा देने के लिए। प्रभा केदार फाउंडेशन एवं पीकेएफ की ओर से श्री हृदय धन्यवाद देना चाहूँगा कलम के प्रस्तुतकर्ता श्री सिमेंट और कलम के सहभागी एहसास हुए हो अजमेर को। आज हमारे साथ है निखिल सचन जी, जो कि एक बहुत ही यंग ऑथर है। आप नई वाली हिंदी के पोस्टर बॉय भी हैं। आईआईटी और आईएम के छात्र होने के नाते इनकी शुरुआत हिंदी साहित्य के आउटसाइडर के रूप में हुई, लेकिन पहली किताब आते ही ये आनंद फानन की हिंदी साहित्य के नए रंग रूप में सबसे चहेता चेहरा हो गए। इनकी किताब नमक स्वाद अनुसार जिंदगी स्पाइस ने हजारों ऐसे लोगों को उंगली पकड़कर हिंदी की किताबों से जोड़ा जिन्होंने अपनी आखिरी हिंदी किताब बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए उठाई थी, जिन्हें हिंदी बोरिंग और अनुकूल लगती थी और जिन्हें पूरा भरोसा था कि हिंदी किताबें पढ़ना उनके बस की बात नहीं। इनके साथ आज चर्चा करेंगे मिस कमलेश जी। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि लेखन में आपका कैसे पदार्पण हुआ, आप किस परिवेश से आते हैं, भारत के किस भूगोल में आप बसते हैं, ये सारा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। परिचय थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, खैर कुछ भी बोलूँ इसके पहले ये जरूर कह दूँ कि आप लोग यहाँ पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाली कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं, और शनिवार को मैं तो कभी बाहर नहीं निकलता, सोचता हूँ घर में ही रहूँ। आप घर से निकल कर आए सुनने के लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दूसरी बात, लेखन में आना कैसे हुआ, मैं बहुत तमाम सालों से पढ़ रहा हूँ। हम दिमाग में नोशन बना लेते हैं प्रीकंसीव नोशन की आप आईटी से हैं आईएम से हैं, तो शायद आपने कभी किताबें नहीं पढ़ी होंगी, आपका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होगा किताबों से। लेकिन मैं जब से पाँचवीं छठवीं जमात में था तब से मुझे हिंदी लिटरेचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं भी तब से सूरदास तुलसीदास मतेराम देव रत्नाकर बिहारी दस खान इन सारे लोगों को पढ़कर ही हिंदी साहित्य में आया हूँ। और मैं कानपुर से हूँ और वहाँ पर एक बहुत ही फंडामेंटल स्कूल में पढ़ता था, ऑफ द रिकॉर्ड कह लें तो थोड़ा आरएसएस का स्कूल कह लीजिए, बट उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि हिंदी और संस्कृत बहुत प्यार से बहुत तबीयत से पढ़ाई गई, और कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट जो होता है तो वो हो गया हिंदी साहित्य के साथ, और उससे बहुत ज़्यादा हमेशा से पढ़ता रहा। तो तब से यह था कि हिंदी साहित्य पढ़ते रहना है और लिखना है। फिलहाल मुंबई में रहता हूँ, थोड़ा बहुत सिनेमा से इंक्लिनेशन था, तो ये था कि आखिरकार मुंबई पहुँचना पहुँच सकती है, तो पिछले ढाई तीन साल से मुंबई में। और अभी हम देख रहे हैं यूपी जब नमक स्वादानुसार और उसके बाद जिनकी आई स्पाइस की हम बात करते हैं, जिनकी आई स्पाइस और ये कहानियाँ हैं और जिंदगी आई स्पाइस ऐसी कहानियाँ हैं जिसे हम आज के बच्चों को जैसे बड़ा होते हुए देख रहे हैं, उनका जो बचपन है उसमें जीवित होते देखते हैं। वहाँ गुल्ली डंडा तो हो नहीं सकता, वहाँ पर क्रिकेट है, वहाँ पर बॉल है और उन्हीं से जूझता हुआ बचपन है, तो बहुत सादगी से लिखी हुई कहानियाँ हैं। निखिल, आपको कौन से विषय हैं जो प्रेरित करते हैं? जैसे आपने यूपी पैसेज जब लिखा तो निसंदेह आप जब इस दौर से गुजर रहे होंगे आपके जहन में कहीं कुछ ये बना होगा कि मुझे यही लिखना है, तो ये कौन सी चीज़ें थी जिनको आप जिनकी और आप प्रभावित हुए, किस उम्र में प्रभावित हुए और किस तरह उन विषयों ने आपको प्रभावित किया? देखिए विषय तो बहुत अलग अलग रहे हैं, इससे मेरे लिए उठाना आसान नहीं होगा कि इन बारों में ही लिखता हूँ या इसको लिखना बहुत पसंद है, लेकिन किताबों में बच्चों के कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे लगता है हिंदी साहित्य में बच्चों को एक सब्जेक्ट बनाकर बहुत कम लिखा गया है। क्योंकि जब आपके सब्जेक्ट अगर बच्चे होते हैं तो जो बौद्धिकता और वो इंटेलेक्चुअलिज्म वाली बात होती है उससे थोड़ा किनारा करना पड़ जाता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है हमेशा से बच्चों का लिखना। लेकिन सब्जेक्ट बहुत अलग अलग हैं, कभी भी कोई भी चीज़ पसंद आ रही है या पढ़ रहा हूँ तो नोट्स लेता रहता हूँ, साल साल तक उसके बारे में नोट्स बनाता रहता हूँ, और बहुत ही अलग अलग वेरी सब्जेक्ट्स पर हैं।
तो लिखा है। जैसे ये किताब बी एच यू के बारे में, पहली किताब में बहुत अलग अलग कहानी हो सकता है, उसमें एक कहानी पेशा पर, एक कहानी कम्युनिज्म पर, तो बहुत ही अलग अलग कहानी है। तीसरी किताब है आपकी यूट्यूब कैसेट, और बतौर लेखक आप कहाँ पाते हैं? जैसे आपने ये सफर जो है नमक स्वादानुसार से जिनकी आई स्पाइस और यूपी कैसेट पाठकों के बीच क्या प्रतिक्रिया बनी है, और आप एक लेखकीय यात्रा में अपने आप को कहाँ पाते हैं? पाठकों के बीच तो एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि जब पहली किताब आई थी तो मुझसे पूछा गया था कि उसकी कितनी प्रतियाँ करनी हैं। मैंने बोला था कि 100 किताबें खरीदी, ये देखकर 20-50 मेरे दोस्त से वही किताबें खरीदेंगे। और मैं कभी ये नहीं था कि मैं बहुत बड़ा प्रतिष्ठित लेखक हो जाऊँगा, और ना ही मेरे दिमाग में कभी एक एजम्पशन था कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। एक किताब लिखने के बाद मैं अभी उसे दोबारा नहीं उठा पाता हूँ, क्योंकि मुझे जब भी किताब को दोबारा उठाऊँगा, कोई कहानी पढ़ूंगा तो मुझे बहुत कमियाँ दिखती हैं। मुझे लगता है ये शब्द यहाँ से उठाकर बाहर रख देता या इसे ऐसे लिख देता तो बहुत अच्छा होता। मेरे लिए लिखना बहुत मेडिटेटिव भी होता है, बहुत डिप्रेसिंग भी होता है, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं अच्छा लिखना कब सीख पाऊँगा। लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है, जितने के लायक है उससे ज़्यादा लोग फेसबुक पर पूछते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो इस लिहाज से बहुत अच्छा रहता है। नमक स्वादानुसार के बहुत सारे रीप्रिंट हो चुके हैं, 7-8 रीप्रिंट हो चुके हैं। पहले जो मैं 100 का नंबर सोचता था वो भी कई हज़ारों में है, तो एक्सेप्टेंस इस पे एक्सेप्टेंस है। और ये जिस ये कवर पर जो निखिल के लिए लिखा है उसे देखकर हम जान सकते हैं कि लोकप्रियता की किन ऊंचाइयों को आप छू रहे हैं। निखिल, जब बात आती है तो दो तरह के पाठक वर्ग से आपको सामना करना पड़ता है। एक तरफ वे लोग हैं जो आपको सर आंखों पर रखते हैं, और एक तरफ वो भी गंभीर वर्ग भी है जिसे साहित्य की चिंता है, जिसे शायद भाषा की चिंता है, और जो शायद इस साहित्य को एक खिलंदड़पन से गुजरता हुआ, भाषाई खिलंदड़पन से गुजरता हुआ साहित्य का भी तमगा दे देते हैं। इन आलोचनाओं को आप किस तरह स्वीकार करते हैं, या इन आलोचनाओं को आप किस तरह लेते हैं? बतौर लेखक आप इनमें प्रतिक्रिया इनकी कैसे लेना चाहेंगे? जब आप कोई चीज़ लिखते हैं और वो किताब लोगों तक पहुँच गई, तो अगर आप उसकी प्रशंसा को स्वीकार करते हैं तो आपको उसकी आलोचना को भी तो स्वीकार करना ही होगा। लेकिन 2013 में पहली किताब आने के बाद 2018 तक बहुत कुछ बदला है। मुझे तो अकेली खुशी जिस बात की सबसे ज़्यादा होती है, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदी साहित्य में जितने लिखने वाले हैं उससे बहुत ज़्यादा आलोचक हैं, तो इसे तो आपको किनारे रखना होगा, पढ़ने वाले लोग कम बचे हैं। मैं इन किताबों को ऐसे देखता हूँ कि अपना अनुभव बताऊँ कि मैंने पहली अंग्रेजी किताब 5.1 पढ़ी थी, और अगर मैंने 5.1 पढ़ी होती तो मैं कभी काफ्का, दोस्तोवस्की, कुरान पामुक, फिलान कुंद्रा तक नहीं पहुँच पाता। मैं चाहता हूँ कि आप इन किताबों को ऐसे ही देख लीजिए जिन्होंने कभी 10वीं के बाद प्रेमचंद, अभी तक लोग बोलते हैं हामिदी का और हामिद का चिंता के बाद कभी कुछ और पढ़ा नहीं, तो आप इन्हें वैसा ही देख लीजिए। अगर आप इन्हें बहुत ही बड़ा साहित्य नहीं मानते हैं तो आप इन्हें वैसा देखकर ही, अगर आप विनोद कुमार शुक्ल और उदय प्रकाश और बलविंदर सिंह संधू पाश तक पहुँच जाए, मंडो तक, किस्मत चुपाई तक, तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात ही बढ़ी है। बहुत ही सकारात्मक अप्रोच है निखिल आप। एक दौर पारसी रंगमंच का भी हिंदी साहित्य में देखा गया है। आलोचना हर दौर में हर चीज से गुजरी है, जो भी नया आया है गुजरना पड़ा है। लेकिन हमारी चिंता ये है कि जब जब हिंदी साहित्य का इतिहास फिर लिखा जाए या लिखा जा रहा हो तो हम उसमें किस प्रकार दर्ज हो जाए, तो लेखकीय प्रतिबद्धता क्या है, लेखकीय जिम्मेदारी क्या है, या आप अपने आगे अगर कुछ लिखना चाहें तो किन चीज़ों से गुजरना चाहेंगे कहीं दर्ज हो जाए? ऐसा नहीं है कि एक उपन्यास हमें यूपी कैसेट आया था क्या कहीं वो दर्ज हुआ, जैसा हम कहते हैं कि अच्छा निर्मल वर्मा उस विषय पर इतना अच्छा कहते हैं उन्होंने उस उपन्यास में ही कोट किया है, क्या निखिल सचदेव निखिल सचान को कैसे कोट किया जाए, क्या आप ऐसे नहीं करते हैं? अगर ये कहूँगा कि दर्ज नहीं होना चाहता तो झूठ ही होगा। जब भी आप किताब, बट ऐसा नहीं, देखिए हम दिमाग में अजम्पशंस बनाते हैं ना, हमें लगता है कि अभी IIT IIM से जो लोग पढ़कर आए उन्होंने हिंदी किताबें नहीं पढ़ी होंगी, और वो किताबें बस ऐसे लिखने बैठते होंगे कि अभी ये लिख दूंगा फिर किताब बेस्टसेलर हो जाएगी और फेमस हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप
जब किताबों को पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कितने लोगों ने किताब पढ़ी होगी, जब आप किताब पढ़ते हैं तब आप लेखक को जानते हैं। मेरी पहली किताब पर जर्मनी तक में पीएचडी थीसिस सबमिट हुई है मैक्स मुलर यूनिवर्सिटी में, जो पहली किताब है उसकी कहानी पर, और बहुत जगह ऐसा हुआ है। तो ये एजम्पशन है कि वो गंभीर साहित्य नहीं, ये किताब नहीं है, लेकिन पहली किताब और दूसरी किताब अलग अलग है, और हर किताब का एक स्वर अलग होता है। देखिए, अगर आप दोस्ती पर एक किताब लिखें और आप चाहें कि मैं उसी दौरान ये भी दिखा दूँ कि मेरी शब्दों की जादूगरी क्या है और मैं एक दार्शनिक भी हूँ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सरल चीज़ों से मुझे कोई गुरेज नहीं है। आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए, शोले से ज़्यादा सक्सेसफुल कोई फिल्म नहीं होगी, वो तो बहुत सरल थी, दोस्ती या फिर प्यार, ले लेंगे वही तो तीन चार सब्जेक्ट्स हैं जो रह जाते हैं। मैं अभी 30 साल का हो गया, मैं तो वही तीन चार चीज़ें खोज रहा हूँ। आप या तो प्रेम खोज रहे होते हैं या दोस्ती खोज रहे होते हैं या मनी या पावर, वही चार पांच चीज़ें हैं जिनके आसपास तो दुनिया अभी तक नाच रही है। तो मुझे इससे कभी कोई गुरेज नहीं है कि मैं कोई ऐसी किताब लिखूँ जिससे लोगों को ज़िंदगी का नया फलसफा मिल जाएगा। मुझे लगता है ऐसा आसानी से होता भी नहीं। सबके घर में रोज़ अखबार आता है, अखबार पढ़ने से तो दुनिया अभी तक बदली नहीं, आपके सामने दुनिया का आईना तो रोज़ रखा होता है। कुछ किताबों को आपको ऐसे भी ज़रूर देखना चाहिए कि वो शायद वही दिखा रही है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरत है। हम बात करते हैं गंभीर लेखन की, जब हम बात कर रहे हैं, एक तरफ अभी पारिजात जैसे उपन्यास आ रहे हैं, नाला सोपारा आ रहा है, दूसरी जन्नत नासिरा जी का भी आ रहा है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्क हॉर्स मिलोत्पत्र अमनाल का आ रहा है, आपके उपन्यास आ रहे हैं, हमने बनारस टॉकीज देखे हैं, और भी उपन्यास अभी अमनेश त्रिपाठी का एक उपन्यास आ रहा है, तो जहाँ किस्सा कोई के बिल्कुल अलग अंदाज है, इस अंदाज पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस्सा कोई का ये कौन सा अंदाज है और आपके जहन में क्या रहता है कि एक जो सामान्य पाठक है उसके प्रेशर को रिलीज किया जाए या उसे एक एक, एक पाठ के संदर्भों में हिंदी की ओर जोड़ा जाए, आपका क्या उसमें उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, हम गंभीर और सरल की काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, जब भी जाता हूँ मुझे तो ये कविता सुना देता हूँ, आमतौर पर लोग नहीं भी सुनाता हूँ तो कोई ना कोई बोल देता है कि आप वो कविता सुना दीजिए जो आपने वहाँ पर सुनाई थी। मैं आपको अभी एक जर्नी समझाना चाहता हूँ कि मैं कब से लिख रहा हूँ और भाषा कैसे कैसे बदली है ना। ये कविता मैंने 10 या शायद 12-13 साल पहले लिखी होगी, जब मैं हिंदी का लफ्ज़ की जादूगरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, अभी भी आती है। इसके सारे शब्द का से हैं। तो कविता ऐसी है कि कोमल कपोल कमनीय केश कर खा काले कजरारे, कोमल कपोल कमनीय केश कर खा काले कजरारे, कातर कंचु कबरी काफिर कर कंगन कनक कटारे, कटकी कटीली कामुकता कानन कर्ण कोल तिरकारे, कर्पोर कमल की कांति किशोरी काले कतर काम। तो मैंने लिखना यहाँ से शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि मैं गंभीर नहीं लिखता आया हूँ, अगर आप पहली दूसरी किताब पढ़ेंगे तो गंभीर ही है, उसमें भाषा को वैसे ही सजा कर संवार कर रखा गया है जैसे आमतौर पर लोग रखते हैं। तो मुझे थोड़ा गुरेज है इसको गंभीर और सरल चीज़ों से, क्योंकि मुझे लगता है हम सरल चीज़ों से भागना क्यों चाह रहे हैं, हम ज़िंदगी में सरलता ही खोज रहे हैं, हमारी ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स है, मुझे तो सिर्फ सरलता ही चाहिए। हमको गंभीर और लोकप्रिय को बोरिंग और 2 घंटे में ख़त्म होने वाली किताब से नहीं जोड़ना चाहिए। नई किताब से एक किताब आपको किताब पढ़कर ये नहीं लगना चाहिए कि इस किताब ने मेरा 3 घंटा 5 घंटा या फिर 2 दिन या 5 दिन बर्बाद कर दिया। वो जिस बारे में है आपको ये अगर वो उससे जस्टिस कर जाती है तो मुझे लगता है उस किताब की सफलता है। उसका कथानक कुछ भी हो सकता है, कितना भी साधारण होता हो सकता है। आप विनोद कुमार शुक्ल की किताबें उठा लीजिए, कितना सरल और कितना प्यारा लिखते हैं, उनकी भाषा में तो कोई जादूगरी नहीं है। वो तो खुद कहते हैं कि मैं अपनी माँ से बोलता था कि मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, मुझे सिखा दीजिए, तो माँ कहती थी कि छोटे छोटे वाक्य बनाओ, तो मैं ऐसे लिखता था कि हाथी जा रहा था, पीछे जगह छूट गई, फिर अंधेरा हो गया, 3-3, 4-4 शब्दों के वाक्य बनाते थे। वो भी तो सरल है, उसमें भी तो कोई ऐसी बहुत ही महान चीज़ स्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं गई। एक दीवार में एक लड़की रहती थी, मैं एक सिर्फ एक अध्यापक की कहानी है जो अपने घर से निकलता है और अपने स्कूल जाता है और रोज़ाना आने जाने की बातें हैं, उसे रास्ते में रोड पे खांसी मिलता है, उसे लगता है कि मैं नदी पर बैठूंगा। बहुत ही सिंपल सी बातें। आपके जो कथानक हमने देखे हैं, जब नमक स्वादानुसार की बात होती है तो जैसा कि मेरी आपसे बात चल रही थी, आपने बताया कि आप उसमें जो भाषाई जो चीज़ें हैं और वो कहीं ना कहीं कथानक की मांग है, वो आई हैं और उस पर अनेक प्रकार की पाठकीय प्रतिक्रियाएं भी आपको मिली हैं।
तो वो पाठ की प्रतिक्रियाएं कैसी थी और उन पर आपका क्या मानना था? आप उनके बारे में जैसा आप मुझसे जिक्र कर रहे थे वो यहाँ पर भी बताएं। देखिए, पाठक की प्रतिक्रियाएं दो तरह की होती हैं। एक तरह के लोग होते हैं कि सर आप तो हिंदी के प्रेमचंद हैं, हमें भी पता होता है वो झूठ बोल रहे हैं और हमें भी पता है उनके आसपास कहीं है ही नहीं। हम जैसा 14 पेज में उन सारे हिस्सों का एक एक करके पूरा संकलन था, उन्होंने अपने दो पते दिए थे और दो मोबाइल नंबर छोड़े थे कि मुझे दोनों पते पर और दोनों फ़ोन पर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी चिट्ठी पढ़ ली है। और आज एक समाज में जितने बुरी चीज़ें हो रही हैं, निर्भया कांड हुआ, वो आपके जैसी सोच रखने वाले लोगों की वजह से ही होता है। तो दो तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती है, लेकिन देखिए सच्चाई तो दोनों के बीच में ही है ना। मैं एक भाषा को बना दूंगा, इतना समर्थ तो नहीं हूँ, ना ही मैं उस भाषा को बिगाड़ दूंगा, लेकिन कुल मिलाकर देखो तो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाली होती हैं। जैसे कल जयपुर गया था तो एक सज्जन ने बॉस्टन से मैसेज किया था कि मेरी माँ वहाँ पर आने वाली हैं, आप उनसे एक बार प्यार से बात कर लीजिएगा, वो आपको बहुत पढ़ती हैं और मैं पिछले 6 महीने से उनसे मिलने नहीं आ पाया हूँ, लेकिन आप उनसे प्यार से बात करके कह लेंगे कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं उनसे मिला, मैंने उनसे प्यार से बात की और उसने बाद में रात में मुझे बॉस्टन से फ़ोन किया कि मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा कि आपने उनसे इतने प्यार से बात की। तो सच्चाई तो इनके बीच में है, ना ही मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं किसी का दिन बना दूँ, किसी की ज़िंदगी बना दूँ, और ना ही मैं ऐसा हूँ कि एक भाषा को पूरी तरीके से करप्ट कर रहा हूँ। इसके बीच में कहीं पर सच्चाई है। निखिल, आपकी जो ये सहजता और सादगी है इससे हम बेहद प्रभावित हैं। और आपने जो बात कही कि भाषा का मैं निर्माता नहीं हूँ, मैं उसका सिर्फ एक उसे वहन करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो बड़ी बात है। आपने बात कही कि आपके लेखन को पाठ की प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं, जैसा कि निखिल ने बताया उनकी जिस कृति पर नमक स्वादानुसार पर जो प्रतिक्रियाएँ मिली वो उनकी कथानक की मांग थी, उनमें जो कुछ अब्यूजिव वर्ड्स जैसे हम देखते हैं जो सामान्य हैं, जो जिस वर्ग को लेकर लिखा गया है, जिस छात्र वर्ग को लेकर लिखा गया है, वहाँ वो चीज़ें थी और निखिल स्वयं उसके प्रति सजग हैं कि वो वहाँ पर और किस तरह बदला जा सकता है। तो अभी हम जब इस किताब में देखते हैं UP 65 में, तो वहाँ बहुत ही शालीनता से वही चीज़ें बहुत अच्छे से रखी गई हैं। तो एक कहीं ना कहीं परिष्कृति की ओर लेखक स्वयं बढ़ रहे हैं, जो उनकी तीसरी रचना है। निखिल, UP 65, जैसा कि मुझे तो पता है कि ये कोई कोड जैसा कुछ लग रहा है, लेकिन ये क्या है इसके बारे में? UP 65 बनारस का RTO कोड है, जैसा यहाँ का शायद RJ 14 है, RJ 14 है, वैसे बनारस का RTO कोड वन है। वन जयपुर का भी ठीक है, कल वहाँ पे किसी ने बताया। जयपुर में फोटो। तो UP 65 नाम इसीलिए रखा गया था कि एक तरीके से एक यात्रा है, तो जिसका बीच में एक पड़ाव बनारस पड़ा था, इसलिए इसका नाम UP 65। UP 65 में जब जैसा कि मैंने बताया छात्र जीवन पर आधारित है, यहाँ पर प्रेम प्रसंग भी है और यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं, रेगिंग से लेकर सारी चीज़ें उन सभी पर बात की गई है। लेकिन यहाँ पर बीच बीच में कुछ ऐसे तथ्य भी आए हैं जिसमें फेमिनिज्म की भी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, या किसी उसके माध्यम से ये कहा गया है कि उस किसी एक वाद का समर्थक होना अन्य के विरोध में नहीं खड़ा कर देता है। तो आजकल ये जो वाद चल रहे हैं जिसे आप स्त्रीवादी कहें, इनको आप किस तरह से लेते हैं? जब नारीवाद की बात करते हैं तो केवल एक झंडा लेकर खड़े होना और पुरुष के विरोध में खड़ा होना, या ये चीज़ें ठीक हैं? आप अपने उपन्यास में अगर कभी इन चीज़ों को लिखना चाहेंगे तो कौन सी दृष्टि से लिखना चाहेंगे? पहला धज्जियाँ तो एकदम नहीं उड़ाई गई कम्युनिज्म की, क्या है? देखिए, जब एक लेखक लिखता है ना, तो मेरे पास कुल मिलाकर मान लीजिए 20 से 30 कैरेक्टर्स हैं, उसमें एक कैरेक्टर, जैसे इस किताब में एक कैरेक्टर कबाड़ी भी है, एक कैरेक्टर एक पढ़ा लिखा IIT का लड़का भी है। जब मैं 20 लोगों के तरफ से बातें करूँगा तो एक कैरेक्टर फेमिनिज्म से इत्तेफाक रख सकता है, एक कैरेक्टर को लगता है कि ये क्या ख़राब चीज़ है, तो वो कबाड़ी कह रहा है या फिर वो लड़का कह रहा है। लेखक तो 100 तरीके के कैरेक्टर्स की बात करता है, तो किताब में मेरा पर्सनल ओपिनियन तो कहीं पर नहीं है, उन कैरेक्टर्स का ओपिनियन है। दूसरा, पॉलिटिकली मैंने इस किताब में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, मैं पॉलिटिकली एक्सप्रेस करने से फिलहाल किताबों में बचता हूँ, उनके लिए अखबार हैं। हाँ, इस किताब में नहीं किया, पहली किताब में बहुत सारी पॉलिटिकली करेक्ट कहानियाँ भी हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। और ये बहुत ही
जनरलाइज हो जाएगा मेरे लिए बोलना कि मैं फेमिनिज्म को कैसे देखता हूँ, बहुत बड़ी सवाल जवाब है उस पर फिर कभी। हाँ, ये 2010 के बाद हमें चाहे सिनेमा हो या साहित्य हो उसमें बहुत सारी प्रवृत्तियाँ बदलती हुई दिख रही हैं और फिर से एक पाठक वर्ग, एक दर्शक ऐसा वर्ग तैयार हो रहा है जो गंभीर चीज़ों को भी देख पा रहा है। अभी हम अक्टूबर की ही बात करें तो उसे सराहा गया और एक विशेष वर्ग के द्वारा उसे सराहा गया, देखा गया, युवा वर्ग ने उसे बहुत पसंद किया। वहाँ नाच गाना कुछ नहीं था, वहाँ ऐसे गाने नहीं थे जो भड़काऊ गाने या जिसे कहें जो सिनेमा की जो आज तक एक रवायत रखती चलती आई है। लेकिन ऐसे ही दौर में जब इस तरह का जब साहित्य आता है तो उसे कहीं नंदा से जोड़ने की कोशिश की जाती है या फिर वही बात उपेंद्रनाथ अष्ट पर पहुंचने की कोशिश की जाती है, वही बात आती है, तो इन सभी प्रतिक्रियाओं को एक चुनौती के रूप में आपको लेना होगा। और जब आप आगे जब लेते हैं या आगे आप लिखने की कोशिश करते हैं तो इन चुनौतियों का प्रतिकार करते हुए क्या कुछ लिखेंगे या फिर आप जो आपका मन कह रहा है या जो आपकी एक अंतर्मन की आवाज़ है उसी पर लिखेंगे या इन चुनौतियों की ओर भी आप ध्यान देंगे? प्रतिकार करने के लिए तो देखिए कैसे लिखेंगे, होता क्या है कि एक किताब जब आती है उसको पढ़ने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं कि आप हर किसी को संतुष्ट कर ही नहीं सकते। आप कितनी भी अच्छी किताब रख दीजिए, कितने ऐसे लोग हैं जो आप उन लोगों को जानते हैं फिलहाल इस नई जनरेशन में जो कि इन लोगों को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ मिलने वाले लोगों को भी हम नहीं जान रहे। हम मुझे ऐसे लोगों को जान रहे हैं जो बहुत लोगों के हिसाब से हल्का फुल्का लिखने वाले लोग हैं, तो प्रतिकार करने के लिए लिखेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे क्योंकि आप सबको संतुष्ट तो नहीं कर सकते। मुझे लगता है लिखना एक मेडिटेटिव प्रक्रिया है। लोग जब मैं 11-12 बजे घर आता हूँ दफ्तर से तो उसके बाद मैं अपने लिए लिख रहा होता हूँ, रात 2 बजे तक बैठता हूँ, अपनी पत्नी के सैटरडे और संडे ख़राब करता हूँ क्योंकि वो बाहर जाना चाहती है और मैं कहानी लिखता हूँ, तो फिर मैं सिर्फ अपने लिए लिख रहा होता हूँ और मैं सबको ना संतुष्ट कर नहीं पाऊँगा। अब अगर नमक स्वादानुसार जैसी किताब हुई है तो UK 65 यू ही हो सकता है, इन सबसे एकदम अलग एक किताब होगी, लेकिन उसका जो परिवेश होगा मुझे उसके साथ जस्टिस करना पड़ेगा। वो मैंने कर दिया तो किताब को उसका दर्जा अपने आप ज़रूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने जो भी बातें कही बड़ी ईमानदारी से कही और लेखक को इतना ईमानदार होना चाहिए। साफ होता ये है कि बहुत जल्दी अगर प्रसिद्धि मिल जाती है तो वो बहुत बड़ा लेखक मान लेने का गुमान हो जाता है, आपके ऊपर एक कम से कम वो अहंकार नहीं चढ़ा है तो कम से इसको बरकरार रखें। एक तो ये बहुत ही अच्छी बात है और आपने सारी चीज़ों को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया। मैं सवाल के रूप में ये कहना चाहूँगा कि जैसे बनारस का ही फोकस करें तो काशी का असली काशीनाथ सिंह का उपन्यास, अब वो पूरा बनारस के परिवेश की बात करता है, वहाँ के लोग, वहाँ की राजनीति, वहाँ की सोच, पूरा एक उपन्यास से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो पूरे परिवेश को जीवंत कर दें। अब ये जो आपका उपन्यास मैंने पढ़ा नहीं लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तो एक बहुत छोटे से कैंपस और इनको लेकर जब बात करते हैं तो वो बड़ी कहानियाँ ही हैं, मेरे दृष्टिकोण में उपन्यास का रूप नहीं ले पाते। आप क्या सोचते हैं? अच्छा लिख गया, थोड़ा और बेहतर लिखना चाहिए था, हर किताब के साथ लगता है कि उसे और विस्तार होना चाहिए और मैं बहुत बहुत ईमानदारी के साथ ये किताब कह रहा हूँ, मैं अपनी कोई किताब वापस दोबारा उठा ही नहीं पाता, मुझे लगता है कितनी ज़्यादा कमियाँ हैं, अच्छा लिखना कब सीख पाऊँगा। तो इसमें विस्तार की कमी है, मुझे बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट कॉल करके मैसेज करके बोला भी और जिन्होंने नमक स्वादानुसार पढ़ी है वो कहते हैं कि इसमें नमक स्वादानुसार वाली बात नहीं है, तो अगर मैं उन्हें तब बोलता था कि हाँ आपने इस किताब की तारीफ करी तो अब मैं उनकी बात सुनता ही सुनता हूँ और हाँ शायद इसे थोड़ा और बड़ा करता। लेकिन जब आप एक किताब लिख रहे होते हैं तो आपके अंदर की एक नेचुरल कॉल होती है कि हाँ शायद अब ये किताब कम्प्लीट हो गई है, तो वो नेचुरल कॉल तब आई कि हाँ मुकम्मल हो गई है, तो फिर उसे वहीं पर रोक देना चाहिए। बाकी तो आप बार बार उस किताब की तरफ लौटते ही हैं, शायद इसका सीक्वल करें या फिर कल को कोई और फिल्म में उस बारे में बात करें। लेकिन इसका मूल जो सब्जेक्ट है वो बनारस नहीं, इसका मूल सब्जेक्ट वो लड़के हैं और उनकी दोस्ती है और वो कैसे बनारस में आपको आकर खुद को खोजते हैं, वो इसका मूल सब्जेक्ट है।
से जिस सहजता के साथ यहाँ बोल रहे हैं, वही चीज उनके लेखन में भी आप जब ये किताब पढ़ेंगे तो वहाँ उसकी झलक भी मिलेगी। जिंदगी आइस पाइस जब मैंने पढ़ी इस किताब से आने से पहले, तो वहाँ निखिल का मैं बचपन शायद देख पाती हूँ, जहाँ एक कॉमिक्स के लिए जो मचलता हुआ बच्चा है, क्रिकेट के खेल के लिए मचलता हुआ बच्चा है, उसका अपना जीवन संघर्ष है। तो निखिल, आप अपनी ये सादगी, अपनी ईमानदारी अपने लेखन में बरकरार रखें। हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much. Thank you so much. आपका कलम बहुत अच्छा अनुभव रहा। आप कलम में तमाम बार आ चुका हूँ, कलम पटना, रांची, जयपुर, अजमेर, रायपुर भी जाने वाला हूँ, तो कलम हमेशा एक बहुत अच्छा अनुभव रहता है, क्योंकि यहाँ पर किताबों के बारे में बात हो रही, सिर्फ ये नहीं पूछा जा रहा कि आप हिंदी में क्यों लिखते हैं, जैसे हिंदी में लिखना एक अजूबा हो, तो लोग किताबें पढ़कर आते हैं, किताबों से जुड़े हुए अच्छे सवाल पूछते हैं, और हिंदी के नए लेखकों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कलम है ना हमेशा एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। आपकी किताब के बारे में जो आज यूपी 65 बनारस की कहानी है, बनारस आई टी बी एच यू में जाने वाले चार दोस्तों की कहानी है, बनारस किस तरीके से उनको पूरी तरीके से बदल देता है, वो खुद को पूछते हैं, इसके बारे में कहानी है। ये भी कह सकते हैं कि हम सबके भीतर एक ना एक बनारस होता है, क्योंकि मैं बनारस का मतलब समझता हूँ एक बाफिक्र व्यक्ति से एक बेफिक्र आदमी में बदल जाने की जर्नी बनारस है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन लड़कों की कहानी है, हर इंसान जिसके भीतर में एक बनारस रहता है उसकी कहानी।